हे एंड ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ब्लॉग में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के डे में हम करने वाले इंडिकेटर ठीक, क्योंकि मेरी बाइक का जो इंडिकेटर है ना वो लेफ्ट साइड का नहीं जल रहा है और कभी कभी वर्क कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है। तो उसको खोल कर हम देखेंगे। अभी चलते हैं बाइक के पास, देखते हैं इंडिकेटर को और मीटर चालू होता है और इंडिकेटर दूँ। इंडिकेटर देता हूँ तो ये पीछे वाला वर्क जरूर कर रहा है और आगे वाला जो है इंडिकेटर वो वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। तो मतलब मेरा मोटा खर्चा तो लगने वाला था, मगर मैंने सोचा कि इसको घर पे ही बैठ के फेविक्विक की मदद से ठीक कर देता हूँ। तो ये जो पेज है, इस पेज का इसकी मदद से यहाँ से पेज निकाल लेना आप, जैसे कि मैंने अभी किया, और ये ऐसे करके यहाँ से खोल लेना। खोलता हूँ तो ऐसे करके कुछ ये खुलने का नाम नहीं दे रहा है। तो गाइस ऐसे करके पूरा मत खोलना ऐसे, क्योंकि यहाँ की तरफ होता है, इसका लॉक होता है, वो टूट जाएगा तो ख़त्म। फिर आपको पूरा नया इंडिकेटर लेना पड़ेगा। तो पहले मैं खोल लेता हूँ इसको। तो खुलने के बाद कुछ ऐसा नज़र आने वाला है, क्योंकि ये जो लॉक था, ये लॉक इसके वजह से टिका रहता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ से पेज निकाल कर इसको खोलना है, और इसके अंदर एक और पेज होगा जो अर्थिंग को जोड़ रहा होगा। ये वैसे ये अर्थ की वायर है जो ग्रीन वायर है, और ये प्लस है, और इसको पहले खोलते हैं फिर इंडिकेटर, तभी जाके निकलेगा। तो ये पेज खोलने के बाद ये इंडिकेटर पूरा निकल जाएगा बाहर। तो इसको भी खोलते हैं। तो ये हमारे कुछ 360 लाइट्स है इसमें, मतलब चारों तरफ से इंडिकेटर जलेगा। में ये करके ऐसे करके खुल जाता है, और इसको थोड़ा सा दबाओ और खुल जाएगा ये। तो ये चीज़ थी जो हमारी निकल चुकी है, तो इसकी वजह से इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा था। और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखो यही हम फेविक्विक की मदद से चिपकाएंगे। तो चिपकाते हैं सबसे पहले। तो हमने ये फिर से लगा दिया है फेविक्विक लगा कर, और इसको हम जला कर देखते। तो पीछे वाला वर्क कर रहा है, आगे वाला इस वायर को जोड़कर देखना। ओ ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है। अब इस वायर को जोड़कर ही लगाना, तभी ये वर्क करेगा। पूरा वर्क कर रहा है, अब हम इसको पूरा जोड़ देते हैं फेविक्विक की मदद से। ये वाले इंडिकेटर्स थोड़े महंगे आते, इसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ जुगाड़। मेरा मानना है कि आप ये सब चीज़ें कर पैसे बचा लो अपने। अब लगाने के बाद मैंने एक बार इसको देखा तो ये टूट चुका था ये अंदर से, जब मैं खींचतानी कर रहा था। तो मैंने इसके ऊपर फिर से फेविक्विक चिपका दिया, जिससे कि ये बना रहेगा। अब इसका जो नट था नीचे की तरफ से, वो लग नहीं पाया। और मैं इंडिकेटर वर्क कर रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो आपको मैं हज़ार्ड लाइट भी दिखा देता हूँ इसका। हज़ार्ड लाइट भी फॉग में मदद करता है, रात के टाइम ज़्यादा भी नहीं चलाता मैं इंडिकेटर्स, ये हज़ार्ड लाइट ज़्यादा नहीं चलाता। और हमने पीछे की तरफ मड गार्ड भी लगा दिए अपना,
जो जिससे कि मट ऊपर ना आए पूरा, पहले जो पूरा नंगा टायर था तो उसकी वजह से पूरा आपका पूरा मट इसके मट गार्ड के अंदर आ गया था, आ चुका था, मतलब पूरा मटी मट हो रखा। अब इसको कुछ वॉश करते हैं, पहले यहाँ पर कुछ लगाते हैं टेप क्योंकि ये फट चुका था इसकी वजह से। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बड़ा टायर लगाने से क्या दिक्कतें आती है। तो ये देखो, ये देखो, तो ये मैंने स्टैंड में पत्थर लगा दिया, इसके भी हम जुगाड़ सोचेंगे इसका भी कुछ। तो बड़ा टायर लगाने के बाद, बड़ा टायर इसका पहले कितने का था, 190-17 करके था, 17 करके था, और मैंने इसमें लगाया 120-80-17। तो ये मतलब बड़ा टायर है, बड़ा टायर होने की वजह से मैंने ये भी नहीं हटाया अपना, ये क्लिपर है जो इसको सॉकर्स को ऊंचा कर देता है, और इसके वजह से दिक्कत आ रही है मुझे स्टैंड में रखने में, क्योंकि दोनों टायर बराबर बैठ जाते हैं तो स्टैंड पूरा लगता नहीं है, मेरे को सिंगल स्टैंड में रखना पड़ रहा है। तो धोने से पहले मैंने टेप मार लिया था और काफ़ी सुंदर दिख रही है सीट, मतलब ब्राउन कलर में ब्लू कलर ब्राउन कलर मैच कर रहा है पूरा। और धोने से पहले मैंने एक बार ये मार लिया था चेन में, इसे तारपीन कहते हैं, और तारपीन से मारने से चेन एकदम क्लीन हो चुकी है, क्लीन हो चुका पूरा एकदम क्लीन। अब इसमें मैं लुब्रिकेट करूँगा पुराने ऑयल से, इंजन ऑयल से काम चलाने के लिए, मतलब अभी तो ऐसे ही काम। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जब एक लाइक करोगे ना तो मेरी वीडियो को यूट्यूब और भी आगे बढ़ाएगा, और भी लोग देख सकते हैं। और यही था मेरी दास्ता, और मैंने अपनी 5 रुपये में LED बल्ब ठीक कर लिया, और कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि इतना पैसा वेस्ट क्यों करना है, तो 5 रुपये की चीज़ से जब काम हो रहा है तो आपको लोगों को भी बताया जाए इस चीज़ से ऐसा होता है। मस्त रहो, खाते पीते रहो, बस।